रिचार्ज करेंगे अगर 500 का करते हैं तो आपको 5 रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह यूज करते हैं और वो यहाँ पर जब भी रिचार्ज करते हैं कहीं पर भी, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज सही या फिर किसी अन्य चीज़ का सही, पर वो यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता ना हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, गूगल पे है, फ़ोन पे है और पेटीएम है जो कि आपसे एक्स्ट्रा फीस लेते हैं अगर आप यहाँ पर रिचार्ज वगैरह करते हैं, ठीक है। पर आज की इस वीडियो से मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एप्लीकेशन आपको खुद उल्टे यहाँ पर कैशबैक देता है लगातार, ठीक है। अगर दिन भर में अगर आप 4 बार रिचार्ज करेंगे तो 4 बार आपको यहाँ पर कैशबैक देगा, ठीक है। और उस कैशबैक को ये भी नहीं है कि आपको कुछ अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, उसी अकाउंट में ही आपको कैशबैक मिल जाएगा और उस कैशबैक को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पूरी बारीकी से समझाऊंगा कि आखिर गूगल पे में यहाँ पर कितनी फ़ीस लगती है और इसी के साथ में आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे तब तो आपको यहाँ पर कैशबैक अधिक मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको बराबर में शो हो रही है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गूगल पे को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। हिस्ट्री पर जाते हैं और मैंने यहाँ पर एक नंबर पर रिचार्ज किया था, जैसे कि मैंने ये तो हाँ ये है जियो पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 239 रुपये की यहाँ पर जो कि रिचार्ज की फ़ीस थी, ठीक है। लगभग मुझे यहाँ पर 2 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। आप कहने का मतलब है कि ऊपर से हम रिचार्ज की पेमेंट करें और इसी के साथ में एक्स्ट्रा फीस दें तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर झोल पड़ जाता है और ऐसे ही कर करके और हम जाने पता नहीं कितने रिचार्ज कर लेते हैं और वो हमारे अकाउंट से थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके पता नहीं कितनी अमाउंट कट जाती है। तो आज की इस वीडियो से मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि एकदम बिल्कुल सही है, रियल है, किसी भी तरीके का फेक नहीं है और आप जब भी उस एप्लीकेशन के द्वारा आप रिचार्ज करेंगे तो आपको यहां पर कैश बैक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। हालाँकि मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना दी थी पर काफ़ी लोगों को पता नहीं है तो इस चीज़ के बारे में चलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 239 रुपये का वही रिचार्ज इस एप्लीकेशन से किया है जो कि मुझे यहाँ पर 2 रुपये 39 पैसे का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब है 2.5 रुपये का मुझे यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट कर दिया, यानी कि कैशबैक रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है उस एप्लीकेशन से अगर हम रिचार्ज कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ रही है और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम रिचार्ज करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आखिर कौन कौन से रिचार्ज करते हैं तो आपको कितना कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी के साथ में हम जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से हम रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके काम का रिचार्ज का इसमें ऑप्शन आ रहा है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, DTH, इसी के साथ में टीवी का जो टीवी चलाते हैं ब्रॉडकास्ट कनेक्शन होता है उसका रिचार्ज करना और फास्ट, और इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी, प्रीपेड ब्रॉडकास्ट कनेक्शन और इसी के साथ में गैस, और यहाँ पर LPG गैस होती है वो, इसी के साथ में वाटर टंकी, एजुकेशनल रेड लाइन नंबर और इसी के साथ में इंश्योरेंस, और भी आपको इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह और आपको यहाँ पर अन्य नीचे भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। नीचे में आपको मिल जाता है रिडीम कोड, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर का होता है। एक्चुअली में ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है तो चलिए मैं आपको यही भी बता देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। रिडीम कोड हमें बनाने की तब ज़रूरत पड़ती है जैसे कि हम प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये हमारा प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसी के साथ में हम यहाँ पर प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे, नीचे हमें मिलेगा पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिलेगा रिडीम कोड, ठीक है। वहाँ से एक कोड बनाया जाता है, वो कोड आपको यहाँ पर डालना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर रिडीम पर सिंपली क्लिक करते हैं तो जितने का आप यहाँ पर कोड बनाते हैं वो पैसे आपके यहाँ पर शो होने लगते हैं पेमेंट मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो वो पेमेंट यहाँ पर शो होने लगती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से तो आप एक रिडीम कोड बना सकते हैं, ठीक है। अब रिडीम कोड का एक्चुअली में काम क्या होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, जैसे कि बुक्स होती हैं तो बुक्स कुछ एप्लीकेशन इसमें पेड होती हैं जैसे कि ये है, ठीक है। अब एक्चुअली में कोई एप्लीकेशन है और उसमें एक कहानी है, जो भी डिटेल्स है वो पेड है, ठीक है। जैसे कि यह है जड़ी बूटियों वाली, तो यहाँ पर अगर हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो हमें यहाँ पर 99 रुपये पे करने होंगे, ठीक है, तभी हम इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर
डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आप रिडीम कोड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलिए हम यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद में हमें यहाँ पर मिल जाता है जैसे कि रिपोर्ट्स और ट्रेंड और होम शॉपिंग, ठीक है। शॉपिंग पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो अभी इसमें शून्य है। इसी के साथ में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तब यहाँ पर माई ऑर्डर पर देख सकते हैं। कमीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बस बुकिंग करने पर आपको कितने तक का यहाँ पर कमीशन मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज करने पर आपको यहाँ पर कितना कितना यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर आपको एयरटेल पे करते हैं तो 1% का मिलेगा, इसी के साथ में BSNL पे करते हैं तो 4% पे मिलेगा, इसी के साथ में जियो पे करते हैं तो 1% का मिलेगा। कहने का मतलब है जितने रुपए का आप यहाँ पर रिचार्ज करेंगे, अगर 500 का करते हैं तो आपको 5 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जो कि लगातार कोई शॉप वगैरह चलाते हैं और वो रिचार्ज करते हैं, ठीक है। तो उन्हें के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है। और आप नॉर्मली जैसे कभी कभार रिचार्ज करते हैं तब भी आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर में अपने ही फ़ोन से रिचार्ज कर दिया करेंगे तो जो एक्स्ट्रा फीस है वो तो बचेगी ही बचेगी और आपको इस एप्लीकेशन से उल्टे यहाँ पर पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में यहाँ पर इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में यहाँ पर मिल जाता है प्रीपेड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2% और यहाँ पर BSNL पर जियो पर कितने कितने यहाँ पर मिल रही है कमीशन। तो आप इसमें पहले ही देख सकते हैं, जैसे कि गैस पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर 800 रुपये का सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर 8 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में आपको इंश्योरेंस वगैरह आप यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉलेट देख सकते हैं, तो इसमें जो पैसे ऐड करने पर हैं वो पैसे इसमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ये ऑप्शन इसलिए नहीं दिया गया होगा कि वरना काफ़ी लोग तो एक दूसरे के बैंक अकाउंट से यहाँ पर पैसे ऐड करेंगे उसके बाद में वो फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ऐसे तो पैसा नहीं दे सकती ये कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर नहीं दिया गया ये ऑप्शन, ठीक है। बाकी के इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आखिर आप कौन सी सर्विस ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बस बुकिंग रिपोर्टिंग और आप यहाँ पर डेली रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग बैलेंस है और इसी के साथ में जो कि यहाँ पर मुझे एक बार रिचार्ज करने पर जो कि मैंने 239 रुपये का रिचार्ज किया था तो मुझे यहाँ पर 2.39 पैसे मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया और इस एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसी के साथ में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 20 रुपये का यहाँ पर जो कि कैशबैक आपको अलग से मिलेगा। तो अभी जाइएगा और इस प्रोमो कोड को यहाँ पर यूज कीजिएगा। और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।